अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अगर आप आज मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं हूँ ज़ारा और मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट मेकअप, आई मेकअप लुक्स, मेहंदी डिज़ाइंस, प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड डेली व्लॉग्स। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई मेकअप लुक, जिसके कलर हम डिसाइड करेंगे इनकी हेल्प से, इन पर्चियों की हेल्प से। जो आज के आई मेकअप के लिए मैं पैलेट यूज़ करने वाली हूँ वो है APK का आई शेडो पैलेट। लेट्स ओपन इट। इसमें जो ये कलर्स हैं वो हैं 48, और इसी तरह मैंने यहाँ पर 48 पर्चियाँ बना ली हैं, जिसमें से मैं तकरीबन 4 उठाऊँगी और अपने कलर्स को डिसाइड करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उठाऊँगी ये लीजिए। सो ये है नंबर 1 वाली, जो कि हमारे पास आई है 5 शेड। लेट्स काउंट, हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट शेड होगी और इस लिहाज से हमारी जो फिफ्थ शेड बनती है वो बनती है ये गोल्ड शेड, ये वाली गोल्ड शेड। सही है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट शेड जिसे हमने आज के मेकअप में यूज़ करना है। उसके बाद अब लेंगे, चूज़ करेंगे हम सेकंड शेड। हमें यहाँ पर 4 शेड्स चूज़ करनी है, ठीक है। तो मैंने ये वाली चूज़ की है और इस पर जो नंबर आया है वो है 21। लेट्स काउंट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. द सेकेंड शेड इज पिंक। दिस पिंक शेड विल बी द सेकेंड शेड। सो ये 2 शेड्स होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट शेड की तरफ। नेक्स्ट शेड विल बी द नंबर 33। कंटिन्यू करते हैं 21 के बाद से, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33. So this is the 33 shade, which is a nude shade, जो कि हम क्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। सारी शेड्स अभी तक बहुत अच्छी आई हैं। अब सिलेक्ट करते हैं 4th शेड के वो कौन सी आती है। सो द लास्ट शेड इज 37। 33 थी ये वाली शेड, 34, 35, 36 and 37, a light pink shade. A light pink shade तो बहुत काफ़ी अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, गोल्ड एंड क्रीज शेड, ट्रांजिशन शेड। सो अब हम करेंगे इससे आज के लुक को क्रिएट। तो जी, सबसे पहले मैं ले रही हूँ वो ब्राउन शेड जो कि हमने क्रीज के लिए चूज़ की थी। उसको मैं लेकर एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से सॉफ्ट एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। जो शेड्स हमारे पास आई हैं हम उन सब शेड्स को अपने मेकअप में यूज़ करेंगे और लुक क्रिएट करेंगे। इसी तरह फर्स्ट शेड को यूज़ करते हुए हमने उसे क्रीज एरिया में अप्लाई किया है। शेड्स हमारे पास काफ़ी अच्छी आई हैं, जिसमें हमारे पास क्रीज शेड भी है, उसके बाद अलावा जो हम लोग लिड पर लगा सकें वो शेड्स भी हैं। जो शेड मैंने क्रीज एरिया पर अप्लाई किया है उसे ही मैंने आउटर कॉर्नर पर भी अप्लाई किया है। अब जो पिंक शेड जिसमें हल्का सा पर्पल टोन आ रहा था उसको लेकर मैं अप्लाई करी लिड एरिया पर, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई कर ली है फुल लिड पर। उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश लेकर जो हमने पिंक पर्पल शेड अप्लाई किया उसके एजेस को सॉफ्ट करूँगी और ब्लेंड कर दूँगी। मेकअप लुक को हम ज़्यादा ग्लिटरी या शिमरी नहीं कर रहे, मैट ही रखेंगे। उसके बाद मैं जो दूसरा पिंक शेड आया था, दिस इज़ अ पिंक, रेडिश पिंक शेड था, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश के साथ और हल्का सा इसे अपर कॉर्नर की तरफ भी एक्सटेंड कर रही हूँ। शेड को एक्सटेंड करने के बाद मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर दूँगी ताकि आउटर कॉर्नर थोड़ा सा मज़ीद डार्क हो जाए। उसके बाद जो गोल्ड शेड हमारा आया था उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर पर। मैंने यहाँ पर वेट ब्रश लिया है, लोअर लैश के साथ भी मैं इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर दूँगी और अपर एरिया पर भी अप्लाई करूँगी। इसे मैंने अपने लिड एरिया पर फुल लिड पर अप्लाई नहीं किया, जस्ट इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है। सो इससे हमारा लुक ज़रा चेंज हो गया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। लाइनर सेम उसी तरह से अप्लाई करूँगी, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। पहले मैं लैश लाइन के साथ अप्लाई करूँगी और उसके बाद जब लैश लाइन के साथ फुल अप्लाई हो जाएगा तो विंग क्रिएट करूँगी। सो मैं आई शेप के मुताबिक ही लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, यानी जो लाइनर है वो लैश लाइन के बिल्कुल साथ लगे और कोई भी एरिया खाली ना रह जाए। लैश लाइन के साथ अप्लाई करने के बाद पहले मैं इनर कॉर्नर्स को इलोंगेट करूँगी, यानी वहाँ से पॉइंटेड लाइनर अप्लाई करूँगी। उसके बाद विंग क्रिएट करूँगी। पॉइंटेड लाइनर अप्लाई करने के लिए मैंने लाइनर को इनर कॉर्नर की तरफ एक्सटेंड कर लिया है। जो हम लोग सिंपल क्लासिक लाइनर अप्लाई करते हैं उसे इनर कॉर्नर से एक्सटेंड करने से हम पॉइंटेड इनर कॉर्नर
बना सकते हैं। उसके बाद हमें करेंगे विंग क्रिएट करने के लिए मैंने लैश लाइन के साथ से एक लाइन ड्रॉ किया और उसे फिर बाकी जो हमारा लाइनर था उसे ज्वाइन कर दिया है एक और लाइन की हेल्प से। उसके बाद मैं कर रही हूँ विंग को फिल। फिलिंग के बाद अब आई लाइनर हो चुका है कम्प्लीट। अब मैं लैशेज को कर्ल करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ लैश कर्लर और उसके बाद मस्कारा कर दूँगी। मस्कारा से पहले लैशेज को कर्ल करना लाजमी है और लैशेज अप्लाई करने से पहले यानी जो फॉल्सेज हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करने से पहले लैशेज पे मस्कारा अप्लाई करना लाजमी है। तो ये तीनों स्टेप्स एक साथ लाजमी हम करते हैं। लैशेज पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी फॉल्सेज। इस पर मैंने ग्लू को लैश ग्लू को लगा कर अबाउट सम सेकेंड्स 30 सेकेंड्स आई थिंक 10 to 30 seconds के लिए मैंने इसको ड्राई होने दिया था। जब ये स्टिकी नेचर में आ गई थी तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया है लैश को अपनी लैश लाइन पे। सो यहाँ पर अब अप्लाई हो गई है मेरी आई लैशेज। आज का ये लुक जो कि हमने शेड डिसाइड करके क्रिएट किया है कम्प्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लुक और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।